दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। वीडियो में आपको कोरिएंडर पाउडर का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताएंगे, रेड चिली का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताएंगे और इस बिजनेस को करने के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस बनवाने की जरूरत होगी, इसका रॉ मटेरियल आप कहां से खरीदेंगे, टोटल चीज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है रेड चिली पाउडर का। दोस्तों देखिए, रॉ रेड चिली आपको मिल जाता है मार्केट में 85 रुपीज पर केजी। इसका ग्राइंडिंग कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस 10 रुपीज पर केजी माल लेते हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस हो जाता है पर केजी आपका प्रोडक्शन और टोटल एक्सपेंसेस प्रोसेसिंग करने में, पैकेजिंग करने में हो जाता है 95 रुपीज पर केजी। तो सेलिंग प्राइस मार्केट में इस तरह का होता है 120 रुपीज पर केजी। तो प्रॉफिट ऑन 1 केजी, 1 केजी पे आपको प्रॉफिट हो जाता है 25 रुपीज। इस तरह से अगर आप एक दिन में 200 केजी प्रोडक्शन करते हैं तो प्रॉफिट हो जाता है इस तरह से एक दिन का 5,000 रुपया। अगर आप 25 दिन भी महीना में मिनिमम काम करते हैं तब भी आपका अर्निंग जो है 1,25,000 रुपया हो जाता है। और मान लेते हैं 2 आप लेबर रखते हैं और 1 मार्केटिंग बॉय रखते हैं इस काम को पूरा करने के लिए, तो 30,000 रुपया आपका अदर ये इधर से एक्सपेंसेस होती है। तो अगर इसको माइनस करते हैं तो 95,000 पर मंथ आप अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों ये कोरिएंडर पाउडर का प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। दोस्तों देखिए, रॉ कोरिएंडर जो है आपका 65 रुपया पर केजी मिल जाता है मार्केट में। आप अपने नजदीकी किसी भी मंडी से जाकर इस कोरिएंडर को खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, इसमें एक्सपेंसेस क्या होती है, ग्राइंडिंग कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस मान लेते हैं 10 रुपया भी मैक्सिमम होता है, वैसे इतना होती नहीं है, हम मान लेते हैं 10 रुपया होता है। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाता है पर केजी 75 रुपीज और मार्केट में सेलिंग प्राइस होती है 95 रुपीज पर केजी। तो प्रॉफिट हो जाता है इस तरह से 95 - 75 20 रुपीज पर केजी। अगर एक दिन में आप मिनिमम 400 केजी भी प्रोडक्शन करते हैं तो देखिए इस तरह से आपका अर्निंग हो जाती है एक दिन का 400 × 20 = 8,000, यानी 8,000 रुपया आप पर डे का अर्निंग कर सकते हैं कोरिएंडर पाउडर बिजनेस से। अगर मिनिमम 25 डेज एक महीना में काम करते हैं तो इस तरह से एक महीना का अर्निंग हो जाता है 8,000 × 25, तो 2,00,000। मान लेते हैं कि आप 3 लेबर रखते हैं जिसको 10-10,000 करके सैलरी देते हैं तो 30,000 होता है, और 1 मार्केटिंग बॉय रखते हैं जिसको 10,000 सैलरी देते हैं तो टोटल हो जाता है 40,000। तो 40,000 ये एक्सपेंसेस हुआ, तो नेट प्रॉफिट आपका हो जाता है पर मंथ का 2,00,000 ये जो हुआ था वो, और माइनस 40,000 करते हैं तो 1,60,000 रुपया जो है आपका पर मंथ का अर्निंग हो जाती है। बात कर देते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस बनवाने की जरूरत होगी। दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए ज्यादा लाइसेंस बनवाने की जरूरत नहीं हो, तो आप GST ले लीजिएगा, अदर जो भी लाइसेंस आप लेना चाहेंगे आप फ्यूचर में ले सकते हैं। दोस्तों मशीन सप्लायर और रॉ मटेरियल सप्लायर का कॉन्टेक्ट डिटेल हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से जाकर आप कॉन्टेक्ट करके और मशीन और रॉ मटेरियल खरीद कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।